कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट रजत मेरवानी और आप आज देख रहे हैं IMM इंडियन मोनार्क मोटर। हाउ टू लर्न ड्राइविंग, ये मैनुअल कार है हमारे पीछे और ऑटोमेटिक बहुत इजी रहती है, इसलिए लोगों ने आजकल ज़्यादा ऑटोमेटिक पे जाते हैं, पर हम आज मैनुअल सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। साथ है विनय यादव और हम इनको गाड़ी चलाते नहीं आते, मैं इनके द्वारा आपको सिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। दोस्तों ये होता है हमारा स्टीयरिंग व्हील, जिसमें बीच में माउंट कंट्रोल्स रहते हैं, हॉर्न रहता है और यहाँ पे हमारी की इंसर्ट होती है। ये होते हैं हमारे लाइट के स्विचेस, यहाँ से हम हेडलाइट ऑन करते हैं, इसको हम मूव करते हैं इधर तो हेडलाइट ऑन हो जाती है, फिर इधर से ऑफ हो जाती है, और डीपर देना होता है हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं। और इस तरफ से हमारा रहता है वाइपर का पूरा, और अगर हमको इंडिकेटर देना है तो अगर हमको राइट साइड का देना रहता है तो हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं तो राइट साइड का ऑन हो जाता है, ऊपर की तरफ करेंगे लेफ्ट साइड का हो जाता है। और नीचे हमारा रहता है क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर, जो लेफ्ट वाला पेडल रहता है वो क्लच रहता है, बीच में ब्रेक रहता है और राइट में एक्सीलेटर रहता है। तो चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। चाबी इंसर्ट करिए, कैसे इंसर्ट करेंगे चाबी आप, की कैसे इंसर्ट करेंगे, इसको थोड़ा प्रेस करिए और इग्निशन ऑन करिए अंदर प्रेस करके थोड़ा। ये अभी स्टीयरिंग लॉक हो चुका है जैसे हम देखते हैं अभी यहाँ पे। तो इस टाइम पे हमको क्या करना है, स्टीयरिंग को हल्का सा, जैसे हम बाइक टू व्हीलर्स में करते हैं, स्टीयरिंग को हल्का सा इस तरफ टिल्ट करेंगे और फिर करेंगे। तो अभी ये हो गई है, इग्निशन हम ऑन करेंगे। ये इग्निशन ऑन हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं उस तरफ। तो इस वक्त हम कार के अंदर हैं और जो गियर लीवर है ये हमारा न्यूट्रल में, न्यूट्रल में हमें कैसे पता चलता है, ये इस राइट एंड लेफ्ट मूव करेगा। और जब भी हमें गियर चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्लच प्रेस करना पड़ेगा। क्लच प्रेस करिए, ये हमारा रहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। और जो अगर जिसमें नॉर्मली कार्स में फिफ्थ गियर रहते हैं, अगर जिसमें रिवर्स रहता है उसमें गियर को इस तरह इस टाइप से कुछ उठा के लेफ्ट वो राइट की तरफ करके पीछे करते तो रिवर्स लग जाता है, और कुछ गाड़ियों में से आगे की तरफ रहता है। पर इस गाड़ी में पीछे की तरफ है तो मैंने पीछे की तरफ आपको करके बता दिया था, इसमें राइट साइड है, राइट साइड रिवर्स लगता है। अब चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, कैसे लगाएंगे आप, क्लच दबा के लगाइए। ये फर्स्ट गियर लग गया, आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो लेफ्ट साइड में आपको पूरा दबा के आगे की तरफ मूव करना होगा, फर्स्ट गियर लग जाएगा। और फिर सबसे पहले आपको कार चलाने के पहले क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगाइए। चलिए आप क्लच दबाइए और कार स्टार्ट करिए। अब हल्के से धीरे धीरे क्लच छोड़िए, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, बंद हो गई, ट्राई अगेन, वापस स्टार्ट करिए क्लच दबा के। अब धीरे धीरे क्लच रिलीज करिए, बिल्कुल धीरे धीरे, अब हाफ क्लच दबाया है, अब क्लच पूरा छोड़ दीजिए और धीरे से एक्सीलेटर दबाइए। राइट साइड टर्न लीजिए कार के,
चेंज करना है? हाँ आप कर लीजिए, क्लच दबाइए और लेफ्ट साइड दबा के गियर चेंज करिए। ये अभी हमारा लग गया है सेकंड गियर, चलने दीजिए धीरे धीरे, एकदम धीरे, नर्वस मत हो। जैसे ही हमारी गाड़ी स्लो होने लग जाती तो हमें गियर उतार देना चाहिए। सर राइट टर्न ले लें? ले लीजिए। और थोड़ी स्पीड अप ले लीजिए फर्स्ट गियर में। हमें फर्स्ट गियर में ध्यान रखना है कि जो कार का आरपीएम रहता है ये 2 और 3 के बीच में रहना चाहिए। अब ये जो ट्रैक है यहीं पे चलने दीजिए, आपका जजमेंट लगाइए, थोड़ा सा आपकी तरफ लीजिए, दोनों टायर ये जो सामने ट्रैक है इस पे चलना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है, कार को न्यूट्रल करिए, चेक करिए न्यूट्रल हुई है कि नहीं। जी सर हो गई है। अब इग्निशन ऑफ कर दीजिए। तो जैसे कि ये था हमारा फर्स्ट लेसन, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड गियर पे कार चलाएंगे, अब सेकंड लेसन में हम थर्ड फोर्थ गियर पे कार चलाएंगे, उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो ऐसे करके 3 lessons में सिखाऊंगा आपको। मेरा चैलेंज है कि अंडर 10 days आपको कार चलाना आ जाएगा। ये इंडियन मोनार्क मोटर्स के साथ और हम आपको कार चलाना सिखाएंगे ओनली इन 10 days। आगे भी आप बने रहिए क्योंकि हम और भी वीडियोज अपलोड करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोज रहेगी उनसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर मेरे पास कमेंट सेक्शन में ज़्यादा आएंगे तो मैं एक ड्रिफ्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग हमको